दोस्तों अरमान मलिक जो दुनिया से हर चीज अलग करता है, लोगों के पास नॉर्मली एक बीवी दो बच्चे होते हैं, इसके पास एक बच्चा दो बीवियां हैं। लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक लव मैरिज नहीं कर पाते, इसने दो दो कर रखी है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। लोगों से एक स्त्री नहीं संभलती और इसने दो दो स्त्रियों को आपस में बहन बना के रखा है। अरमान भाई ये जिंदगी कब से हैक होने लगी? गजब टू बी बाज आदमी। अरमान भाई पहले फेमस टिकटॉक किए थे। हाँ जी, वो टिकटॉक पे फनी वीडियोस बनाते थे। ए थाम्बा, ये क्या घर के घर में गोदी गोदी खेल रखा है, कभी वो इसी गोदी में, कभी ये उसकी गोदी में, कभी दोनों की दोनों इसकी गोदी में, और इनके घर में एक बच्चा भी है चीकू, वो बेचारा बाजू में खड़ा होकर सोचता होगा कि मेरे को कोई गोदी नहीं ले रहा है, बच्चा मैं हूँ या ये। और ये बच्चा भी कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, इसने जिंदा शादी देखी है अपने माँ बाप की। तेरे बाप की शादी है कह रहे? हाँ, अरमान मलिक ने तीसरी शादी कर ली अपनी पहली बीवी से दोबारा। हाँ जी, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो एनिवर्सरी पे दोबारा शादी कर लेते हैं, इसका भरोसा नहीं है अगले बर्थडे पे दोबारा पैदा होने की मांग रख दे। जब मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा ना, सबसे पहले तुझे दिखाने ले जाऊंगा। और सिर्फ शादी ही नहीं, हल्दी मेहंदी, यहाँ तक कि शादी के टेंट से लेकर पार्किंग तक की विदाई भी हुई है। मैं बिना आंसू की रोती हूँ। नॉर्मली लोग विदाई के टाइम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने वाली है, और ये लोग देखना भाई, लाइट सीधे मुंह पे पड़नी चाहिए, वीडियो अच्छी नहीं बनी तो दोबारा रोना धोना करना पड़ेगा। इस बेचारे को अलग टेंशन है कि पापा को जल्दी से घर ले जाता हूँ, पता लगा तीसरी शादी कर ली फिर जायदाद में बंटवारा हो जाए। नाम तो चीकू है, धर्म पत्नियों में पैसा बढ़ते बढ़ते हाथ में भी चीकू ही आ जाएगा। तेरे हाथ में तो चीकू भी नहीं आएगा चिंदी। ये तेरा ओपिनियन है, मेरा नहीं, और मैं अपने ओपिनियन ऐसे वेस्ट नहीं करता। ओपिनियन वेस्ट नहीं करता मतलब मैं अपना ओपिनियन देके पैसे कमाता हूँ। हाँ जी, आप भी अपना ओपिनियन देके पैसे कमा सकते हैं प्रोबो ऐप पर। सिर्फ अपना ओपिनियन और नॉलेज यूज करके क्वेश्चन के येस और नो में आंसर करें और पैसे कमाएं। प्रोबो ऐप पर मूवीज, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इन सब के फ्यूचर इवेंट्स में प्रिडिक्ट करके आप पैसे कमा सकते हैं। इनमें से जिस भी फील्ड की आपकी नॉलेज अच्छी है, उस फील्ड के किसी भी क्वेश्चन के फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करो और येस और नो करके पैसे कमाओ। जैसे कि क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ आपको सिंपली प्रिडिक्ट करना है कि होंगे या नहीं। आई थिंक यस। इसमें आप ट्रेडिंग अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं विद क्वांटिटी, और इसमें 7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड कर रखा है और पैसे कमाना शुरू भी कर दिया। ऐसे ही प्रोवो ऐप पर आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे जिन पे आप अपना ओपिनियन देके पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है किसी भी फील्ड में तो उसका क्वेश्चन चूज करो। और प्रोवो ऐप पर आप अपनी मनी को बहुत इजीली विड्रॉल कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में या पेटीएम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके डाउनलोड करो। डाउनलोड करते ही आपको मिलेंगे 25 रुपीज फ्री ट्रेडिंग के लिए। सो ट्राई करो, आपका नॉलेज आपका ओपिनियन और पैसे भी आप ही कमाओगे। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, हां मौज कर दी वाह बेटे वाह। वाजीवा क्या दृश्य है, दुल्हन बाहर खड़े होकर तालियां बजा रही है, अंदर दूसरी बीवी के साथ रील बन रही है। इन लोगों में कुछ बातें हो जाती है मुझे लगता है कि अभी मैं शादी कर लेती हूँ, तू ताली बजा ले, फिर जब तेरी बारी आएगी तो मैं भी मदद कर दूंगी। देखना, पता लगा तुम लोग लड्डू खाते रह जाओ, पीछे से वो काट के निकल जाए। वैसे नहीं काटेगी, उसको पता है ना रील बन रही है। ये internet.com का कीड़ा बहुत अजीब होता है भाई, यहाँ पे लोग दूसरों की मौत का तक फायदा उठा लेते हैं। अरमान भाई ने तो 2-4 रील ही बनाई है। अगर शादी करना फंसना है तो अरमान भाई तुम तो यहाँ तक फंसे हुए, सांस भी नहीं ली जाएगी। और ये गाना किसके लिए बजाया हुआ पीछे, मूली भर के चीकू के लिए, क्योंकि तुम तो कुंवारे नहीं हो ना, नक्को बिल्कुल भी नहीं। और शादी एक करी, उसमें से 3 चैनल के व्लॉग, 1 म्यूजिक वीडियो और 25,000 रील निकाली है। अरे थाम्बा, अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि शादी हो रही थी तो लगे हाथ रील बना दी, या रील बनाने के ही लिए शादी करी थी। क्या हो रहा है ये दुनिया को, कोई व्यूज के लिए बच्चे पैदा किए जा रहा है, कोई शादी किए जा रहा है, एक मैं हूँ यहाँ 2 मिलियन नहीं हो रहा है। कर दो यार सब्सक्राइब प्लीज। डायरेक्टर शूटिंग भाई साहब, लोगों के घर की जमीनें बिक जाती हैं शादियां करने में, और इस आदमी ने एक शादी में से 4 अलग अलग जमीनें निकाल दी होंगी। और मेहमानों के नाम पे भी किसको बुलाया है, जो सुहागराज ब्लॉग्स बनाते हैं। ये क्या है?
थंबनेल तो अरमान भाई की वीडियो के भी कम नहीं होते। सबसे जरूरी फैमिली तो सोने दो ना अरमान भाई, क्या मतलब है कि उनके सोने से तुम्हारा घर नहीं चलेगा। पायल डूब गई पूल में और अरमान भाई बाहर से बोल रहे कि और नीचे करो, नाक नहीं डूबी थंबनेल अच्छा नहीं आएगा, क्या मतलब है मर जाएगी वो। कहानी हर घर की, सही बात है, हर आम आदमी के घर में दो बीवियां तकिया पकड़ के लड़ रही होती हैं। अरमान भाई, लोगों की जिंदगी में एक स्त्री बहुत भारी पड़ जाती है, और हर घर में अगर ऐसी कहानी होगी तो आधे घरों की कहानी तो एक रील में समाप्त हो जाएगी 15 सेकंड में। बहुत ही जल्दी देंगे गुड न्यूज। ये कैसी गुड न्यूज है जो पीले चड्डे में सोफे पर पड़ी हुई है। पहले लोगों के घर में कोई आता था तो सब उठ के बैठ जाते थे कि लेटे लेटे ओंधे पोंधे से लगेंगे, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और आज का जमाना व्लॉगिंग की दुनिया में लोग लाखों लोगों के सामने फुल खुल्लम खुल्ला हो गए। हल्दी में पायल की खुशी देखने लायक थी, पायल से ज्यादा खुश मुझे झांझर लग रहा है। एंड फाइनली शादी हो गई, फाइनली नहीं हुई है अरमान भाई, फिर से हुई है। और अच्छा हुआ वो तो सेम लड़की से हुई, अलग लड़की से करते तो इस बार चीकू दंगे कर देता। और देख के रखना फ्यूचर में चीकू के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। आंटी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, शादी कर रहे हैं हम दोनों। शादी कर रहे हैं, तुम्हारी उम्र में इसकी उम्र फर्क नहीं है। क्या फर्क है, शादी कर रही भगवान जाने एंटी ने प्लेस्टेशन दिलाने का वादा करा या फिर हर हफ्ते वाटर पार्क ले जाने का, पर ये नौजवान दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिगर निकला। मतलब मौसी से कौन शादी करता है, पर इससे भी ज्यादा भयंकर लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सोनिया जी। कहाँ की रहने वाले हो? होंसगढ़ की। 9 साल पहले हुई थी शादी। पति का नाम क्या है? सोनू। सोनू तो देवर से प्यार हो गया था? हाँ जी। कब हुआ? वही तीसरे दिन शादी, तो तीसरे दिन। अच्छा, क्या रिश्तों की बटर खिचड़ी बना रखी है? कहीं किसी ने मौसी से शादी कर ली, कहीं किसी को देवर से 3 दिन में प्यार हो गया। एक दिन टाइम निकाल के डीटीएच पे जहर लगा के चाट के मर क्यों नहीं जाते? तो पति भी वही रह रहा था, देवर भी वही रह रहा था। तो तीसरे दिन से आप देवर के साथ रहने लगी? हाँ जी। पति के साथ नहीं रही फिर? वो भी वही रह गया था जी। अच्छा, तो आपका रिलेशन किससे था, पति से या देवर से? दो ऐसे से। दोनों से? हाँ जी। बच्चे किसके हैं? उसी के, उसके भी है, दो छोरी तो उसकी है। हाँ। जिस जो से मेरा पति है और छोरा उसका जो देवर है, दो देवर है। तीनों बच्चे आपने पैदा किए? हाँ जी। देवर की शादी नहीं हुई? ना जी। क्या नाम है देवर का? संदीप। पति का? सोनू। आपका? सोनिया। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। संदीप की सोनिया को सोनू चाहिए। घर वाले बड़े अच्छे से अरेंज मैरिज कराते हैं प्राउडली कि जिंदगी भर हमने अपनी बच्ची पे ध्यान रखा है, कहीं टाका ना भिड़ जाए। और सोनिया जैसे बच्चे शादी करने के बाद टांके भिड़ाते नहीं है, टांके गले में बांध के लटक जाते हैं। अगर ये सब गलती से उर्फी ने देख लिया ना, तो वो टांके की एक ड्रेस बना के उसमें लटक जाएगी। वैसे भी आजकल कुछ ऐसा अजूबा पहन रही है वो। पुराने जमाने के लोग पत्ता लपेट के सोचते होंगे कि आगे चल के ह्यूमन कुछ एडवांस बनाएगा, कुछ टेक्नोलॉजी में करेगा। और जब वो बेचारे ऊपर से देखते होंगे कि नीचे ह्यूमन बोरे का चड्डा पहन के घूम रहा है, क्या बीतती होगी बेचारों के दिल पे। और ये वाली बोरियां चूहों को कुतरना बहुत पसंद है और फिर दीदी, तो थोड़ा सा बच के रहना वरना चिंदी चिंदी बोटी बोटी कर देते हैं। को मतलब नहीं है कि बोरी के अंदर कुछ जरूरी है या कोई फतूरी है, वो कुतर देते हैं। और आप लोग भी ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रोमो डाउनलोड करो और अपने ओपिनियन से पैसे कमाओ। इंतजार किस बात का कर रहे हो? और वीडियो लाइक कर देना, यहां तक देखिए तो फेवरेट पार्ट कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर ले जितने लोगों ने नहीं किया। मैं चलता हूं, टाटा बाय बाय, ध्यान रखे अपना। भाई साहब शादी पे ले जा रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा गुलाब जामुन खा रहे हैं। They can't get success, they don't see the grind. Agar kare test, main tayyar, I don't need a sign.